निश्चित तौर पे कर रहे हैं। भाटिया जी, मैं गुगरानी जी मंत्रालय चालू करते क्या? अरे भाई ऋषि परंपरा मैं सर्वप्रथम इस खबरवाणी के इस मंच को और आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां पर आमंत्रित किया गया और जी और हमारे साथी वरिष्ठ बना गुगनानी जी त्रिवेणी गुगनानी जी गुगनानी जी और यहां पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और समस्त अलग अलग राजनीतिक दलों से आए जो लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र पे विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास। भाई आपका जी पहले बजाएंगे प्रश्नोत्तर का दौर दोबारा शुरू कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए जी। जी एडवोकेट दीपक। दीपक किससे प्रश्न है आपका? मेरा तो सत्ता से प्रश्न है। सत्ता मतलब भाजपा से कि कांग्रेस से? दोनों सत्ता है इस समय। केंद्रीय सत्ता से जी जी गोगनानी जी। असल में लोकतंत्र में प्रश्न सत्ता से ही होने चाहिए और उन प्रश्नों को दबाने की कोशिश। असल में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उनके बाद निपटे विधानसभा में जी। सबसे पहले धन्यवाद खबरवाणी का जिसने पहली लाइन में गोगनानी जी ये है मेरा कि व्यापम में आप, राफल में आप, बड़े बड़े हवाई जहाजों में आप, तो किस राष्ट्रभक्ति की बात? बहुत बढ़िया राष्ट्रभक्ति का बहुत प्रश्न। अरे भाई दीपक तथागत बुद्ध कह के गए अपो दीपम भव, अपने दीपक आप बनो। थोड़ा पढ़ दो राफेल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, थोड़ा पढ़ दो कि व्यापम में न्यायालय ने क्या कहा, उसके आगे के तो दूसरा तीसरा कोई आप घोटाला आप ना गिना सके ना किसी बात को मुद्दा बना सके। केवल राफेल और इसके मुद्दे पर आपने चुनाव को खींचने की बहुत कोशिश की और आखिर वो बाबू फेल हो गए और कोई मुद्दे नहीं ला पा रहे, तमाम प्रकार के मुद्दे उनके विफल हुए तो यहाँ आकर के आज खड़े। मुद्दे तो भाजपा भी नहीं ला रही, बात ना रोजगार की बात बात है तो सेना, राष्ट्रवाद और इस बात का जी एक प्रश्न ले रहे हैं झाम साहब से जी। क्या नाम है? अनिल झाम लिखता हूँ, संचालक गौतम गौशाला का है। मैं दोनों पार्टी के लोगों से प्रश्न कर जाऊंगा, मेरे तीन मूल प्रश्न है, मुझे इन तीन प्रश्नों का जवाब चाहिए। ये तीनों प्रश्न स्थानीय स्तर के हैं, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, कमलनाथ सरकार को आने को 6 महीने हो गए, इन्होंने कहा था गौ माता सड़कों पे नहीं घूमेगी। आज इस समय गौशाला में पानी और चारे की समस्या है। आज बैतूल में इनके 4 विधायक हैं, कोई भी विधायक गौशाला में झांक के नहीं देख रहा पानी और चारा क्या है। दूसरी बात, मैं 3 बार नीले डालो के पास गया, मैंने बोला भाई साहब मेरी गौशाला में पानी की गंभीर समस्या है, मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप बोर करवा दीजिए, उन्होंने बोर मुझे नहीं करवा के दिया। आज भी मेरी गौशाला में टैंकर से पानी जा रहा है और बैतूल की आम जनता मेरे को पूर्ण सहयोग कर रही है।